हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन समझेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 को लेकर। जी हाँ, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 हुआ था, AIB 18 हुआ था, उसके लेकर बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि उसका जो रीचेकिंग का प्रोसेस है वो कैसे होगा, क्या डेट्स होंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा, उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। लाइक कर दीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो ये जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, ये भारतीय विधिक परिषद के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और ये 10 अप्रैल 2024 को रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, रीचेकिंग ऑफ द रिजल्ट्स। जो भी रिजल्ट आए थे उनको रीचेक दोबारा करने के लिए और ओवरमार्क शीट को दोबारा इवेल्युएट करने के लिए क्या प्रोसीजर है। डियर कैंडिडेट्स, जिन भी लोगों ने AIB 18 एग्ज़ाम दिया था, इट इज़ नोटिफाइड दैट द एप्लीकेशन फॉर रीचेकिंग ऑफ द OMR शीट विल बी एक्सेप्टेड। अब जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि OMR शीट एक्सेप्ट की जाएगी रीचेकिंग के लिए, वो जो प्रोसीजर है उसके लिए एक टाइम पीरियड दे रखा है 10 अप्रैल 2024 से लेकर आपके पास टाइम पीरियड है 25 अप्रैल 2024। ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास 15 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है, इसी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इसी में आपका रीचेकिंग होगा और उसके बाद एक रिज़ल्ट आएगा दोबारा कैंडिडेट्स की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर और फिर वो पास माने जाएंगे, पास या फेल जैसा भी उनका रिज़ल्ट होगा। ठीक है, और इसी रीचेकिंग के बाद उनका अपडेटेड रिज़ल्ट सेंड किया जाएगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि जो ये रजिस्टर्ड रीचेकिंग करना है, इसका जो प्रोसीजर है वो कैंडिडेट्स को ऑनलाइन फिल करना है, कोई अदर मोड नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप फिज़िकल में जाकर फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं या कोई भी अदर मोड चेक से देते हैं जैसे भी, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्लियरली लिख दिया है। ध्यान रखिएगा ये बात, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होगा और आपको 200 रुपये जमा करने हैं। ठीक है, रीचेकिंग के लिए। और ये कैसे होगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE की साइट पर आप जाएंगे, वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा रीचेकिंग के लिए। ठीक है, तो लास्ट में ये लिखा है कि रीचेकिंग के लिए अगर आप चाहते हैं तो कोई अदर मोड एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, आप फिज़िकल कॉपी और 200 रुपये अगर लेकर जाएंगे तो भी ये नहीं चलेगा, सिर्फ ऑनलाइन आपको ऑनलाइन ही पे करना है, साइट पर जाकर allindiabarexamination.com। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर रीचेकिंग इफ रिसीव्ड बाय एनी अदर मोड, फिजिकल कॉपी एंड फीस ऑफ 200 विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो अगर आप जाकर सोच रहे हैं कि पर्सनली विजिट कर लें या किसी और मोड से पेमेंट कर लें, वो नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन आपको भरना है और इसकी डेट है 10 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल, 15 दिन का टाइम पीरियड है और इसी में आपने अगर कर लिया तो आपका अपडेटेड रिज़ल्ट आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा और फिर आपका रिज़ल्ट शो होगा कि आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर किया है या नहीं किया है। और इसके लिए आपको फ़ीस देनी है 200 रुपये, वो भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की साइट पर। ठीक है, AIBE की साइट पर, AIBE.com। और ये 10 अप्रैल का ही नोटिफिकेशन है जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें वीडियो में मैंने सारी इंपॉर्टेंट बात आपको बताई जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जारी हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारे उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने AIBE 18 दिया है। अब जो लोग AIBE 19 की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं और कुछ भी अगर आपके मन में सवाल हो, कन्फ्यूजन हो, वो हमसे आप पूछ सकते हैं, चैनल पर कमेंट कर दीजिएगा एंड आपके जवाब रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जुडिशरी की कोई भी कोचिंग वगैरह लेना चाहते हैं, कोई भी पर्सनली सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, जुडिशरी के लिए, APO के लिए या कोई भी लॉ सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। जुड़े रहिए, बने रहिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।